खबर वाराणसी से है, जहां पुरुष धोती कुर्ता और महिलाएं साड़ी में ही कर सकेंगी बाबा का स्पर्श दर्शन। जी हाँ, दरअसल उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं धर्मार्थ कार्य राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर नीलकंठ तिवारी की अध्यक्षता में रविवार को कमिश्नरी सभागार में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के पूजन दर्शन की व्यवस्था सहित कई अन्य विषयों को लेकर मंदिर प्रशासन और काशी विद्वत परिषद के सदस्यों के साथ बैठक संपन्न की गई। वहीं इस मौके पर मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने सभी विद्वत जनों के सामने दो अहम प्रश्न रखे। उन्होंने कहा कि मंदिर में स्पष्ट दर्शन का समय कैसे और बढ़ाया जाए ताकि अधिक से अधिक श्रद्धालु बाबा को स्पर्श दर्शन कर सके। इसके साथ ही विश्वनाथ धाम में खरीदे गए भवनों से निकले विग्रह को कैसे संयोजित किया जा सके। इस मुद्दे पर बैठक में आए सभी विद्वत जनों ने एक मत में कहा कि बाबा का स्पर्श दर्शन मध्यान्ह आरती से पहले 11 बजे तक किया जा सकता है। इससे अधिक श्रद्धालु बाबा का दर्शन स्पर्श कर सकेंगे, लेकिन किसी भी विग्रह को स्पर्श करने के लिए एक प्रकार का वस्त्र तय होना आवश्यक है। ऐसे में पुरुष को धोती कुर्ता एवं महिलाओं को साड़ी पहनने का एक नियम बनाना चाहिए। मेरा नाम प्रांशु जैन है, मैं मथुरा से हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो गवर्नमेंट ने स्टेप उठाया है कि हमें धोती दुपट्टे में जाना चाहिए, एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। इससे मंदिर की शुद्धता बनी रहेगी और जो हम कैसे भी कपड़ों में आ जाते हैं ये सब नहीं रहेगा। लेकिन उसके लिए गवर्नमेंट को सबसे पहले यहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए कि लोगों को रेंट पे मिल जाए कुछ टाइम के लिए, जैसे पहनने के लिए। कहा जा रहा है कि जो लोग इच्छुक होंगे उनको फ्री मुफ्त में दिया जाएगा, चेंजिंग रूम भी दिया जाएगा, तो किस तरह की पहल मानते हैं ये? एक अच्छी पहल है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि साउथ के मंदिरों में होता है काफ़ी, वहाँ पे अच्छा लगता है। प्रॉपर जो मेन चीज़ होती है मंदिर की, वो प्रॉपर मंदिरों के क्लॉथ्स में आते हैं, ये घर के कपड़ों में वो फील नहीं आ पाती जो मंदिर के कपड़ों में आती है। विद्वत परिषद की बैठक हुई जिसमें माननीय मंत्री नीलकंठ तिवारी जी, जो हमारे प्रदेश सरकार के धर्मार्थ कार्य मंत्री भी हैं, उनके द्वारा भी प्रतिभाग किया गया था। और उसमें एक अभी प्रारंभिक चर्चा हुई कि जो दर्शनार्थी गर्भगृह में जाकर स्पर्श दर्शन या पूजन करना चाहते हैं, उनके लिए एक वेशभूषा का व्यवस्था हो, और वो वेशभूषा हम लोग न्यास के परिषद से भी उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये एक प्रारंभिक चर्चा कल हुई है। इसमें अब ये वेशभूषा क्या हो, किस समय के लिए यह लागू होगा और उसकी अन्य क्या व्यवस्थाएँ होंगी, उस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। और अभी इसमें अंतिम निर्णय कोई नहीं लिया गया है और इसको फिर फाइनली एक रूप बनाकर इसको आगामी जो न्यास परिषद की बैठक होगी, उस परिषद की बैठक में इसको रखकर हम लोग फिर इसको उपस्थिति में काशी विद्वत परिषद के साथ एक बैठक मंदिर प्रबंधन की हुई, जिसमें स्पर्श दर्शन की जो प्रक्रिया अभी सुबह 4 से 4:30 के बीच में और शाम को 6 से 7 के बीच में कराई जाती है, उसको सुचारू रूप से कराने का निर्देश प्राप्त हुआ। और समय भी सुबह 4 बजे मंगला आरती के उपरांत 11 बजे तक स्पर्श दर्शन कराए जाने का निर्देश हुआ। और साथ ही काशी विद्युत परिषद द्वारा ये सुझाव दिया गया कि जो स्पर्श दर्शन के समय में जो परंपरा होनी चाहिए, उसमें जो वेशभूषा है वो पुरुषों की केवल धौत वस्त्र होनी चाहिए और महिलाओं को साड़ी में होना चाहिए। और इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मकर संक्रांति के उपरांत निर्णय लिया गया है कि मकर संक्रांति के बाद से सुबह 4 बजे से 11 बजे के मध्य स्पर्श दर्शन हेतु आपको धौत वस्त्र और साड़ी ही अलाउड होगी। शुरू में इसका प्रचार प्रसार करने में समय लग सकता है, इसलिए काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा वैकल्पिक तौर पर आने वाले पुरुषों को और महिलाओं को धौत वस्त्र और साड़ी उपलब्ध कराई जाएगी और शीघ्र ही इसको पूरी व्यवस्था को। इसके अलावा पैंट शर्ट जीन्स सूट टाई कोट वाले पहनावे पर केवल दर्शन की व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। रिपोर्टर्स पेज की खास रिपोर्ट।